नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। रेलवे बोर्ड को उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से पहले विभिन्न रूटों पर चलने वाली रेलगाड़ियों का सामान्य परिचालन शुरू कर दिया जाए। कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी है। इसमें जिस राज्य से होकर ट्रेन गुजरेगी वहां की अनुमति भी जरूरी कर दी गई है। चुनाव नजदीक है और कई धंधेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। उन धंधेबाजों पर पैनी नजर रखी जा रही है जो शराब, नशीले पदार्थ, प्रलोभन की राशि समेत अवैध हथियार एवं कई अन्य चीजों का कारोबार कर मतदाताओं को प्रभावित किया करते हैं। इसके लिए सभी जिला प्रशासन चौकस है। सूबे के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का मानना है कि राज्य में विकासशील माहौल है और रहेगा। वर्तमान सरकार अपने काम के भरोसे जनता के बीच जा रही है और नीतीश कुमार ने हर घर को बिजली पहुंचा दी है। अब फिर से लालटेन की जरूरत नहीं है। चुनावी सरगर्मी के बीच इन दिनों अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी काफी सक्रिय हो गए हैं। बेखौफ हुए बदमाशों ने वार्ड 67 के पार्षद रणधीर कुमार जायसवाल को गोली मार दी। अशोक राजपथ पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश में पटना पुलिस जुट गई है। इस कांड में जमीनी विवाद की भी संभावना पर पुलिस की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी जदयू ने अपने कोटे से टिकट देकर चुनावी चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया है। खबरों के मुताबिक अब खुद मांझी अपने इमामगंज क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले सभी तैयारियां की जा रही है। जिन नेताओं ने अपने दल को छोड़कर हाल में ही जदयू की सदस्यता ग्रहण की है उन सभी को जदयू ने चुनावी मैदान में खास रणनीति के तहत उतारा है। दूसरे दलों से जदयू में आए सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आस्था व्यक्त की है। इस बीच खबर है कि जदयू ने अपने 3 विधायकों को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बदले हुए समीकरण के बीच भाजपा के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र भी जदयू के कोटे में चले गए हैं। डुमराव के साथ सुल्तानगंज और अमरपुर का सीट जदयू ने छोड़ा है तो वहीं सूरजगढ़ा, सासाराम, दिनार और झाझा सीट भाजपा ने त्याग दिया है। पूर्णिया में राजद के एक दलित नेता की हुई हत्या मामले की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। राजद के पूर्व सदस्य रहे शक्ति मल्लिक के परिजनों ने लालू प्रसाद के दोनों बेटे को भी नामजद आरोपी बनाया है। इसके चलते बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच खबर यह भी है कि शिवसेना ने 50 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार के लिए प्रत्याशी भी तय किए जा रहे। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र खासकर नेपाल से सटे इलाकों को चुनाव के दौरान विशेष रूप से अति संवेदनशील माना जाता है। इसी बात को लेकर नेपाल से सटे सीमा क्षेत्र के निगरानी के तहत बिहार और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों ने बैठक कर अभी से रणनीति तैयार की है। समय के साथ बेहतर तालमेल बैठा कर कार्य किया जाएगा। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।